सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 261 दिलीप सिंह किया। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 261 माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है, मेरा प्रयास है कि सब बैठें आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा, देश सदन चलना देखना चाहता है। इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठें। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत, नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी माननीय सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। नारेबाजी कर रहे हो भाई, सदन चलने दीजिए। क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य। ये उचित नहीं है माननीय सदस्य, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। बैठिए, आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तकिया लेकर आओगी? ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तकिया लेकर आ रही हो?
माननीय सदस्य तख्तियां रखिए, पार्लियामेंट पक्षण तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। ये सदन तो सबका है, आप आए बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है।